जो आज की पहली खबर आपके सामने रखनी है वो ये है कि पाकिस्तानी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान के खिलाफ कोई तकरीबन 200 या उससे ज्यादा केसेस बनाए आपको पता ही है इद्दत में निकाह साइफर तोशाखाना पता नहीं क्या क्या कुछ और फिर घर पर तोड़फोड़ और फिर कातलाना हमला पता नहीं क्या कुछ हो गया दो साल में अब जाके पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को इस बात की समझ आई कि असल मसला हल इमरान खान को जेल में देने या दो केसेस बनाने से नहीं होना मसला हल तब होना है जब इमरान खान के ट्विटर अकाउंट को अरेस्ट किया और उस पर केस बनाया आपको हंसी आ रही होगी इस खबर की लेकिन ये खबर असल है पहले आपको पूरी खबर सुना लू तजिया दे दू फिर आप हंस लीजिएगा अभी हंसी जरा रोक के रखिएगा हुआ कुछ यूं है अहवाल आपको बैकग्राउंड बता फिर बता देता देता हूं हूं फिर कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट करने की जा रही है आज से कुछ तीन चार दिन पहले इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट हुआ वो तो जेल में उन्होंने खुद तो नहीं किया लेकिन वहां से ट्वीट हुआ उस ट्वीट में यह कहा गया कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि पूरी कौम हमूद और रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़े अब आप सबको पता है कि हमूदुर रहमान पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे उन्नीस में जब पाकिस्तान टूट गया तो जुलाई उन्नीस में चीफ जस्टिस साहब के अंडर एक कमीशन बना जिसका जुम्मा यह था कि फाइंड आउट करे कि पाकिस्तान किसने तोड़ा वो रिपोर्ट उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से मुतब की पढ़ के वाजे तौर पर पता चल जाता है कि पाकिस्तान तोड़ने वाला कौन है इमरान खान साहब के अकाउंट से वो जो ट्वीट हुआ उसमें ये वाजे तौर पर कहा गया कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि आप वो रिपोर्ट पढ़ें और फिर खुद फैसला करें कि गद्दार शेख रहमान था या उस वक्त की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट थी मीन याया खान और उनके हवारी थे पाकिस्तान किसने तोड़ा था इस ट्वीट के बाद एक और ट्वीट हुआ जिसमें एक वीडियो जो है वो ट्वीट हुई उसमें भी वही बातें की गई जो पहले ट्वीट में थी उसके पीछे एक आध दिन के बाद एक और ट्वीट हुआ जिसमें हेनरी केसेंजर की किताब का हवाला दिया गया और इमरान खान साहब से मनसूब बात उस ट्वीट में भी की गई और यह कहा गया कि हेनरी ने अपनी किताब में लिखा था कि याया खान पांच साल और हुकूमत करना चाहता था उसने अपना आईन भी बना लिया था इसी वजह से शेख मुजीबर रहमान जिसको वाजे अक्सरियत मिल गई थी एक सौ बासठ सीटें जैसे आज इमरान खान को वाजे एक्सरियत मिली हुई है और शबाज शरीफ सत्रह सीटें सिर्फ जीत सके हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से याया खान जो है वो पांच साल इतदार लेना चाहते थे एनरी ने भी अपनी किताब में लिखा इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से ये बात भी ट्वीट हुई है कि उन्होंने पांच साल के लिए अपना आइन भी बनाया था और पांच साल आगे हुकूमत करनी थी इसलिए वो शेख रहमान को हुकूमत देना भी नहीं चाहते थे मुजात भी नहीं करना चाहते थे और उन्होंने पाकिस्तान तोड़ दिया अब ये एक प्रूवन फैक्ट है कोई ऐसी कोई इसमें ढकी चुकी बात नहीं सबको पता है कि पाकिस्तान ने याया खान साहब ने तोड़ा था उनके हवारियों ने तोड़ा था यह बात दुरुस्त है कि अमूदुररहमान कमीशन रिपोर्ट छुपा ली गई पाकिस्तानियों को गलत मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाया गया यह रिपोर्ट बाद में हिंदुस्तान से लीक हुई पब्लिश हुई जो आज हमारे हत्ते चढ़ी है वरना हमारे चौधरी निजामुद्दीन ने तो हमें इसकी हवा भी नहीं लगने दी थी क्योंकि अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी थी अब जो जो इसमें जिम्मेदार थे जैसे जनगुल हसन और दूसरे किसी को सफीर बना दिया या खान साहब को भी 21 के पता नहीं इकतालीस तोपों की सलामी हालांकि उन्हें तोप के आगे के सलामी देनी चाहिए थी जो उन्होंने काम किया था लेकिन जब उनकी वफात हुई तो हक साहब ने उनको भी सलामी दे दी मतलब जो अपने अंधे थे ना काड़े छोड़ने जो अपने अंधे थे उनको भी आंखों वालों से आगे रखा और उनको बना संगार के पेश किया गया और सारा मलबा भुट्टो साहब पे डाल दिया ये ऐसे ही है जैसे पिछले दो साल में जो कुछ हुआ वो बेचारे काकड़ साहब पे डाल दें या शहबाज शरीफ पे डाल दें तो आप सबको पता ही है ना कि कितना कुछ उनके कंट्रोल में तो भुट्टो साहब का भी यही हाल था उस वक्त लेकिन बहरल सारा चौधरी नजामदी ने बड़े आराम से तवज्जो से भुट्टो को वो जी जो उधर जाएगा उसकी टांगे तोड़ देंगे उधर हम इधर इधर तुम इस तरह की बातें भुट्टो साहब के गल हालांकि कहवाने वाले तो यही थे ना जैसे आजकल फैसल वोडा साहब बड़े तत्ते बयान देते हैं तो कल को तारीख लिखी जाए तो कहे जी फैसल डा साहब के कहने पे ये हुआ था वो बेचारे तो सिर्फ बयान देते हैं ना काकड़ साहब ने तो सिर्फ बयान दिए हैं शहबाज शरीफ तो सिर्फ बयान देते हैं पीछे तो कोई और है ना तब भी आया खान थे बहरल अब हमें अभी तक इस बात की समझ नहीं आई कि इस पर गुस्सा किस चीज का आया है मीन कोई झूठ बोल दिया किसी ने कोई रहमान कमीशन की रिपोर्ट खुद बना ली किसी ने उसमें कोई बात झूठी थी क्या वाकई आया खान साहब और उनके हवारियों ने मुल्क तोड़ा नहीं था क्या वाकई हमारी फौज ने सरेंडर नहीं कर दिया था क्या वाकई उस रिपोर्ट के अंदर नहीं लिखा कि हमारी फौज जो थी वो लड़ सकती थी लेकिन उसके ऊपर जो लोग बैठे हुए थे फौज तो जाहिर है बहादुर लोग थे उसमें लड़ना चाहते थे हमारी फौज हमारा फकर है आज भी कल भी फौज का तो कसूर नहीं होता जवान और अफसर तो लड़ना चाहते मसला तो ऊपर बैठे हुए लोगों का था तब भी और आज भी वही मसला है तो इसमें इतना गुस्सा क्या है मतलब पाकिस्तान तोड़ा सबको पता है उन्होंने तोड़ा अब आपको ये हम बताएं सच क्या है तो इसमें हम तो गद्दार नहीं है आप हम पे गद्दारी के पर्चे ठोकते जाते हैं आपने जनाबे वाला अयूब खान साहब ने बना दिया फातमा जना साहबा को गद्दार उसके पीछे आप देख लीजिए कि अहमद फराज से लेके तो आपके फैज अहमद फैज तो अबीब जालब तो छोड़ा किसको आपने जिसको आपने गद्दार नहीं कहा और गद्दारी के पर्चे नहीं दर्ज किए इमरान खान से लेके मतलब आपको ये इम्यूनिटी है आप किसी को भी गद्दार कहें गद्दारी के पर्चे दर्ज करें जो मर्जी और आपके जो पुराने लोगों ने वाकयाथन गद्दारी की हुई है मुल्क तोड़ा हुआ है रिपोर्ट में लिखा हुआ है वो शेयर करने पे भी गुस्सा आ जाता है